किसका कौन सा हिंदू, किसका हिंदू? हम हिंदू नहीं है क्या? मुझको हिंदू होने का प्रमाण पत्र क्या आरएसएस के प्रमुख से लेना है क्या? आरएसएस के प्रमुख तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, उनका तो डीएनए नहीं मिलता इस देश में, उनका तो डीएनए इजराइल से मिलता है। तो हम तो जो बहुजन हैं वो इस देश के नागरिक हैं, और जो कह रहे हैं हिंदू है, हिंदू तो संविधान में हिंदू नहीं है, कानून में हिंदू नहीं है, कानून की भाषा में हिंदू नहीं है। हिंदू पता किसको कहते हैं? हिंदू बड़ा अपशब्द है कानून की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में, लुच्चे को, लफंगे को, गुंडे को, सब कानूनी भाषा में हिंदू कहते हैं। हमारा तो धर्म सनातन है, सनातन धर्म में कभी आपने लड़ाई होते देखा है क्या? अब से एक महीने पहले, 20 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम बृहद भारत बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रमुख साहब से, आरएसएस के से, कि क्या अफगानिस्तान को मिलाने की देश में आपकी हिम्मत है? क्या पाकिस्तान को इस देश में आप मिला सकते हैं? क्या बांग्लादेश को मिला सकते हैं? क्या लंका को मिला सकते हैं? जब आपको उनको मिलाने की स्थिति नहीं है तो फिर कौन से बृहद भारत की कल्पना कर रहे हैं? भाई बृहद भारत तो महाभारत के टाइम पर था कि कर्ण भय थे वहाँ और अर्जुन भय थे गंधार में, तो वो तो सब आपने खत्म कर दिया। इन्हीं आरएसएस की मानसिकता के कारण ही तो कंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हुए। बिल्कुल। नरसिंह जी क्या कहेंगे, आज बाबा साहब की 131वीं जयंती आपके द्वारा मनाई गई और एक समाज में एक मैसेज देने की बात आपने कही यहाँ से तमाम वक्ताओं ने? देखिए, बाबा साहब की 131वीं जयंती पे हम लोग इकट्ठा हुए और देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने शिरकत की। बाबा साहब की पुण्यतिथि आज की तारीख में इसलिए ज़्यादा सार्थक है कि जिस परिवेश में हिंदुस्तान जल रहा है, आज एक साथ 10-10 स्टेटों में रामनवमी और हनुमान जी के नाम पे तलवार, भाले और सब चीज़ निकाली जा रही है। क्या आप ये समझ रहे हैं ये बगैर प्री प्लान के हो रहा है? परसों जो हिंदुओं में और सरदारों में कोशिश की जा रही है इस देश को, वो कुछ वैसा नहीं है। उनकी पटकथा पिछले 6-8 महीने से लिखी जा चुकी है। अब से एक महीने पहले, 20 दिन पहले आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि हम बृहद भारत बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ प्रमुख साहब से, आरएसएस के से, कि क्या अफगानिस्तान को मिलाने की देश में आपकी हिम्मत है? क्या पाकिस्तान को इस देश में आप मिला सकते हैं? क्या बांग्लादेश को मिला सकते हैं? क्या लंका को मिला सकते हैं? जब आपको उनको मिलाने की स्थिति नहीं है तो फिर कौन से बृहद भारत की कल्पना कर रहे हैं? भाई बृहद भारत तो महाभारत के टाइम पर था कि कर्ण भय थे वहाँ और अर्जुन भय थे गंधार में, तो वो तो सब आपने खत्म कर दिया। इन्हीं आरएसएस की मानसिकता के कारण ही तो कंधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश हमसे अलग हुए। बिल्कुल। तो हमारा सिर्फ ये है, आज के परिवेश में डॉक्टर साहब इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो लोग तलवार लेके घूम रहे हैं, जो लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनका सिर्फ एक उद्देश्य है किस देश में रोज बेरोजगार रोजगार ना मांगे, महंगाई पर चर्चा ना हो, शिक्षा पर चर्चा ना हो और चीज़ों पर चर्चा ना हो, इसलिए आप बेरोजगार लोगों के हाथ बच्चों में तलवार देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बयान देना चाहते? हम मान लें गडकरी जी अपने बेटे को दें तलवार हाथ में, अयोध्या में जिस तरह नहीं गडकरी जी अपने बेटे को लें तलवार लाएँ, मस्जिद तलवार से लीडरशिप कराएं, अंबानी जी कराएं अपने बेटे को, आरएसएस के मोहन भागवत अपने भतीजे पोते को लाएं तलवार में, लीडरशिप करें, हम साथ चलेंगे। मतलब हमारे लोग हमें ही मारे हैं, हम अपने लोगों को मारे हैं। इसलिए आज अंबेडकर जी सार्थक हैं। इस परिवेश में हमने ये आज परिचर्चा की। हिंदू जाग गया है। किसका कौन सा हिंदू, किसका हिंदू? हम हिंदू नहीं है क्या? मुझको हिंदू होने का प्रमाण पत्र क्या आरएसएस के प्रमुख से लेना है क्या? आरएसएस के प्रमुख तो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, उनका तो डीएनए नहीं मिलता इस देश में, उनका तो डीएनए इजराइल से मिलता है। तो हम तो जो बहुजन हैं वो इस देश के नागरिक हैं, और जो कह रहे हैं हिंदू है, हिंदू तो संविधान में हिंदू नहीं है, कानून में हिंदू नहीं है,
कानून की भाषा में हिंदू नहीं है। हिंदू पता किसको कहते हैं? हिंदू बड़ा अपशब्द है कानून की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में। लुच्चे को, लफंगे को, गुंडे को सब कानूनी भाषा में हिंदू कहते हैं। हमारा तो धर्म सनातन है। सनातन धर्म में कभी आपने लड़ाई होते देखा है क्या? लेकिन सर कहा जाता है कि जितने भी जो तलवार उठाते हैं ये पिछड़े दलित वंचित होते हैं, लेकिन जो अयोध्या में जो कांड हुआ, अभी जो मस्जिद में जो कुछ वस्तु में फेंकी गई, वहाँ तो सारे अपर कास्ट थे। मैं ये कह रहा हूँ, जिस देश में पिछले 75 साल में आप ये लगा ढूंढ लीजिए कि सेना की मुखबरी किन किन लोगों ने की, तो अपर कास्ट के लोगों ने की। देश को बेच किन ने खाया? अपर कास्ट के लोगों ने बेचकाया। जो पैसा लेकर इस देश से भाग गए वो कौन सी बिरादरी के लोग हैं, वो कौन सी जाति के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं, और आप बदनाम कर रहे हो दूसरे लोगों को। इस देश का प्रधानमंत्री अगर पब्लिकली मीटिंग में ये कहता है कि मैं कुछ जात के धर्म के लोगों को उनके कपड़ों से पहचान सकता हूँ, तो क्या कल्पना होगी उसके बाद? लेकिन सर जो विदेश लोग गए वहाँ तो बिल्डोजर नहीं चल रहा है। कहाँ? जो पैसा लूट के भागे थे। नहीं नहीं, कहाँ बिल्डोजर नहीं चल रहा है? वो तो गरीब लोगों पे चलेगा ही। गरीब क्या, गडकरी जी ने कितनी बना रखी होंगी? गडकरी जी बताए ना, अंबानी जी बताए ना, ये तुम्हारे योगी जी बताए ना। सनातन धर्म में वानप्रस्थ कब लिखा गया? साधु कपड़े कब पहनेंगे? जब आपका समाज से कोई संबंध नहीं होगा। अब आप साधु कपड़े पहन के और तील और तलवार चला रहे हैं तो फिर किस धर्म की बात करते हैं आप? अच्छा सर, अयोध्या में जिस तरह से जो लोग पकड़े गए हैं और सीसीटीवी के बाद गिरफ्तारी भी हो गई, क्या उनके घर पर बिल्डोजर चलेगा? मैं ये कह रहा हूँ, वो तो फिकवाया जा रहा है। हाँ। वो फेंक नहीं रहे हैं। हाँ। वो फिकवाया जा रहा है। और दो दिन में ये मीडिया जो है आपका, ये जो खरीदा हुआ मीडिया है, बस आज करेगा और कल से बात को बंद कर देगा। ये तो सब जगह प्री प्लान है। मुझे बताइए कि जहांगीरपुरी कैसा है, ये सब इनके दिया कनॉट प्लेस क्यों नहीं आया? भाई मैं ये कहता हूँ कि मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, मैं अपने घर में पढ़ लूँ ना, क्या जरूरी है? आप हनुमान चालीसा दूसरों के घर पर क्यों पढ़ना चाहते हैं? अपने घर पे क्यों? अपने घर पे 2000 आदमी को बुलाएं, गडकरी जी अपने घर पे बुलाएं 50,000 आदमी को, हनुमान चालीसा पढ़ाएं और रोटी खवा लोगों को, हम तैयार हैं। मेरे घर पे गडकरी जी कैसे पढ़ देंगे हनुमान चालीसा? देश का नागरिक हूँ मैं, मुझे पढ़वानी होगी पढ़वाऊंगा, मुझे नहीं पढ़वानी होगी नहीं पढ़ने दूंगा। सवाल ये है कि आप इस देश को ले जाना कहाँ चाहते हैं? सवाल सिर्फ इतना है। इसलिए आज की तारीख के परिवेश में अंबेडकर जी की जरूरत है। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।